फिर मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगी, सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी, सारा चैनल हटा दूंगी। इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, मुझे नहीं लगता इतनी बुरी जर्नी पेमेंट को लेकर किसी की रही होगी जितनी की मेरी हुई है। हाय गाइस, तो आज कोई स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर की वीडियो नहीं। आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। यस, आज मैं आपके साथ में आज से 4 साल पहले स्टार्ट हुए उस बी प्योर नेचुरल की बातें करने वाली हूँ जिसके द्वारा मैं आज तक आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। आज मैं आपके साथ में अपनी YouTube पेमेंट की जर्नी शेयर करने वाली हूँ जिसकी फर्स्ट पेमेंट को मैंने आज रिसीव किया है। हो सकता है इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितनी पेमेंट आई, कब स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा, कितना स्ट्रगल किया, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, न्यू यूट्यूब चैनल उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज मैं आपके साथ में जो कुछ भी शेयर करने वाली हूँ सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिना किसी मतलब कोई फेक नहीं है या फिर इस वीडियो को बनाने में मैंने कोई नॉलेज इकट्ठा नहीं की है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ में अपनी YouTube पेमेंट की जर्नी शेयर कर रही हूँ। आपसे आपके साथ में मैं अपनी YouTube की जो जर्नी है वो मैंने सोचा है कि जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि जल्दी से हमारे 10K हों और मैं YouTube की जर्नी भी आप लोगों के साथ में जल्द ही शेयर करूँ। मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर आपको पेशेंस की काफ़ी नीड होती है। आप ये सोचो कि आज आपने वीडियो डाली एंड कल आप पॉपुलर हो जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। YouTube पर आकर आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप YouTube पर वीडियो ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनका चैनल डेवलप हो जाता है एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। हो सकता है उन यूट्यूबर्स को यूट्यूब की पहले से नॉलेज होती हो या फिर उन्हें कोई हेल्प करता हो, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जब यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मैं अपने घर में पहली थी जिसने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। जीरो एक्सपीरियंस एंड जीरो नॉलेज के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल 17 मार्च 2019 को स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था कैसे वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं पता था कैसे वीडियो डालते हैं, बस थोड़ी बहुत एडिटिंग करी एंड वीडियोस को पोस्ट करती गई। और वीडियोस भी मैं लगातार नहीं डालती थी क्योंकि उस टाइम पर मेरा एक छोटा बेबी था, तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाती थी, रेगुलर कंसिस्टेंट होकर अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाती थी। कोई भी यूट्यूबर्स माए हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। फिर भी मैं थोड़े थोड़े गैप पर अपनी वीडियोस को अपलोड करती गई। एंड गाइज, यूट्यूब का रूल होता है कि आपके चैनल को मोनिटाइज होने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स कम्प्लीट होने चाहिए, जो कि मेरे लिए कम्प्लीट कर पाना वाकई बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरा एक छोटा बच्चा था, तो सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उधर मैं यूट्यूब की जो वीडियोस थी उन्हें भी एडिट करना होता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल एंड व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप वीडियोस को ऐसे ही एडिट करके एकदम पोस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इधर तो मेरी पढ़ाई, इधर मेरा बच्चा और इधर मेरे घर के काम एंड इधर मेरा यूट्यूब चैनल, आप समझ सकते हैं कि मैं एक साथ 4 नाव में पैर रख कर के चल रही थी। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप एक साथ इतने सारे काम करोगे तो आप किसी भी काम पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते हो। जितने भी यूट्यूबर्स माए हैं, बच्चे हैं उनके छोटे और वो हाउसवाइफ भी हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, आई थिंक कि वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। फिर अप्स एंड डाउन्स के बाद में मैंने फाइनली 4 अगस्त 2020 को अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए।
4 सितंबर 2020 को मैं पार्टनर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हो गई। 26 नवंबर 2020 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं थी क्योंकि अभी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे जिन्हें मुझे पार करना था और जिन्हें पार करके मुझे अपनी वीडियोस को आज यहाँ तक लाना था। तो उसके बाद में होता क्या है, जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होता है आपको एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना होता है। एडसेंस पिन में कुछ नंबर्स आते हैं, उन्हें आपको अपने यूट्यूब के जो एडसेंस का पिन होता है उसमें डालना होता है और आप इसे 3 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलता है। तो हुआ क्या था कि मैं एडसेंस पिन के लिए मैंने अप्लाई किया एंड उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स आती गईं, बहुत सारे मेल्स यूट्यूब के मुझे आ रहे थे। उस टाइम पर मैंने बीएड का फॉर्म डाला हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के चलते मैंने यूट्यूब के मेल्स पर ध्यान नहीं दिया, उनके मेल्स मुझे 2021 तक आते रहे। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद में जब मैंने अपने मेल्स चेक किए तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ठीक करवा लूं और बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कुछ किया, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। एंड मैं 2 बार अप्लाई कर चुकी थी और अब मेरे पास सिर्फ लास्ट चांस था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए। इस पिन को हम 3 बार डाल सकते हैं और 2 बार मैं पहले ही कर चुकी थी, तो बस लास्ट चांस था मेरे पास में। अगर इस टाइम पे मेरा पिन या आइडेंटिटी जो थी वो वेरीफाई नहीं होती तो फिर पिन नहीं आता और यूट्यूब चैनल पर जो मोनेटाइजेशन था वो भी बंद हो जाता। काफ़ी दिन बीतते गए, जब वो वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मुझसे नहीं हुआ तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, चलो रहने देती हूँ, नहीं हो रहा है और थोड़े दिन रुक जाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस करते हैं। जहाँ इतना किया पेशेंस करते हैं, क्या पता ये चीज़ अपने आप ही थोड़े दिन में ठीक हो जाए या फिर मुझे कुछ ऐसा समझ आ जाए। मैं इस बीच बहुत सारी YouTube पर वीडियोस थी वो देखती रहती थी, काफ़ी कुछ मैं देखती रहती थी ताकि मेरा ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए और मेरा एडसेंस पिन मेरे तक आ जाए। तभी होता क्या है कि मेरी वीडियोस पर ऐड आने बंद हो गए। YouTube की तरफ से मेल आया मुझे कि पहले आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कराओ, उसके बाद में ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद में ही आपकी वीडियोस पर ऐड आएंगे। हे भगवान, इतना स्ट्रगल करने के बाद में बस इसी चीज़ की कसर रह गई थी, जो वो भी पूरी हो गई। देखिए आप कितना पेशेंस मैंने रखा और मैं यहाँ तक इस चैनल को लेकर के आई हूँ। मुझे नहीं लगता इतनी बुरी जर्नी पेमेंट को लेकर किसी की रही होगी जितनी की मेरी हुई है। मैं और मेरे हस्बैंड हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इतनी मुश्किल से तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स कंप्लीट हुए और अब वीडियोस पर ऐड आने बंद, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, एडसेंस की तरफ से पिन नहीं आ पा रहा था और ऊपर से हमारी वीडियोस पर ऐड भी आने बंद हो गए। ये देखो कितना पेशेंस मैंने रखा होगा उस टाइम पर। आज आपको बताना बहुत इजी है एंड मुझे हंसी भी आ रही है, बट जब मैं इस फेज को सरवाइव कर रही थी तो रियली बहुत बार ऐसा टाइम आया कि आई वॉज फील कि मैं चैनल ही डिलीट कर देती हूँ। इतनी मेहनत करी, इतनी सारी वीडियोस डाली, आई नो कि मैं अपनी वीडियोस को रेगुलर नहीं डाल पाती थी, बट जितनी भी वीडियोस मैं डालती थी बनती तो वो सब मेहनत से ही थी और बहुत सारे स्ट्रगल करके जब मैं अपनी वीडियोस को डालती थी। अच्छे से टैग नहीं डाल पाती थी क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, वीडियोस नहीं देख पाती थी, सब चीज़ एक साथ मैनेज कर रही थी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए इस जर्नी में, लगभग पूरे 1 साल तक मेरी वीडियोस पर ऐड नहीं आए। आई डोंट नो मेरे अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आ रहा था कि मैं तब भी अपनी वीडियोस को डाल रही थी। शायद कान्हा जी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था जो मेरे अंदर इतना पेशेंस आ रहा था। एनीवे, फिर मैंने मेरी बहन है
छोटी, उसका भी चैनल है, उसके चैनल पे भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसने मेरे चैनल के स्टार्ट करने के 6 मंथ के बाद में ही अपना चैनल स्टार्ट किया था। बहुत कुछ मैंने उससे भी पूछा तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसके चैनल पे भी कोई गड़बड़ आई होगी। तो उसने मनोज दे जो हैं यूट्यूबर, यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रही कि भाई ऐसे ये वो बहुत अच्छे हैं ये वो, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सच में यूट्यूबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। जो मनोज दे हैं उन्होंने मेरी बहन को, एक अजय राज प्रजापति यूट्यूबर हैं, उनका नंबर दिया। बहन ने उनसे बात करी और उसका जो चैनल की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। तो मैंने जब उससे बोला कि बहन मेरे चैनल में ये दिक्कत आ रही है और एड्रेस वेरिफिकेशन होकर ही नहीं दे रहा, इतनी मेहनत कर ली, 2 बार एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर लिया, लास्ट चांस बचा है, अब अगर नहीं होता है तो फिर मेरा चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर उसने मुझे अजय राज प्रजापति यूट्यूबर हैं उनका नंबर दिया। सच में गाइज ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे इंसान हैं। लिटरली मैंने जब उन्हें मैसेज किया तो फर्स्ट टाइम में ही उनका रिप्लाई आ गया। एंड सच में सर, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। सच में आपने इतनी हेल्प करी मेरी, शायद कोई भी नहीं कर पाता। एंड मुझसे जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैंने फिर उनसे बात करी एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सारा कुछ समझाया एंड मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो। जब मैंने उन्हें बताया कि टी चांस बचा हुआ है तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम अप्लाई करके देखो, अगर नहीं होता है थर्ड टाइम में भी तो फिर मैं मेल्स के थ्रू भी मोनेटाइजेशन होता है, मैं फिर उसके थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज कराऊंगा। सच में जब मैंने सर से बात करी और मैंने जैसे जैसे उन्होंने स्टेप्स बताए थे उन सभी चीज़ों को करा तो मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। मैंने तीसरी बार जब अपना एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया, मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने कहा कि भगवान जी अब अगर नहीं आता है तो फिर मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगी, सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी, सारा चैनल हटा दूंगी। इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, बट फिर भी शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी जब मैंने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया। 26 जुलाई 2022 यानी कि 1 साल पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा बेबी होने वाला था एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर बोला कि तुम्हारा एडसेंस पिन आ चुका है एंड मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है और तुम्हारी वीडियोस पर एड का डॉलर का निशान आ जाता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी वीडियोस पर डॉलर का निशान भी आ गया है। हाँ थैंक गॉड, मैंने सच में बहुत थैंक यू किया अपने भगवान जी को। एंड सच में सर भी, अजय राज प्रजापति सर बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ उन्हें मैसेज करो, वो बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं एंड सच में बहुत हेल्प करते हैं। काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे उनका, काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, मेरी सिस्टर का एंड ऑफकोर्स आप सबका तो सपोर्ट था ही, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया। इस जब ये पिन आया तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब मेरा एडसेंस पिन आ चुका है, अब मुझे अब मेरी वीडियोस पर ऐड आने लगेंगे। एंड गाइस मेरी वीडियोस पर ऐड भी आने लगे। चैनल पर पहले एड्स आते थे उनकी जितनी भी इनकम थी वो नहीं आई, बीच में चैनल पर एड्स आने बंद हो गए थे इस वजह से। अब मेरी वीडियोस पर ऐड आने शुरू हुए तो आप लगाइए 26 जुलाई 2022 से और अब तक, अब आकर मुझे ये इनकम मिली है। YouTube का रूल एक और होता है कि जब आपकी चैनल पर जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब ही आपको फर्स्ट इनकम रिसीव होती है। एंड फर्स्ट क्या, आपको जितनी भी इनकम्स मिलेंगी हर बार आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए तभी आपको इनकम मिलती है। अब चाहे वो मंथ में हो या ईयर में हो, आप देख सकते हो 26 जुलाई 2022 से लेकर अब मुझे 24 जुलाई 2023 में इनकम रिसीव हुई है। तो मुझे पूरा 1 साल लगा अपनी फर्स्ट पेमेंट को रिसीव करने में एंड इससे पहले जो मेरे 3-4 साल थे वो गए सो गए।
इससे पहले जो मेरी वीडियोस पर एड्स थे, जितनी एड्स से इनकम थी वो गई सो गई। बट अब आके मुझे ये पेमेंट रिसीव हुई है, क्योंकि मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ था तो मुझे अपना भी ध्यान रखना था, अपने बेबी का भी ध्यान रखना था। तो अगेन मेरे साथ में एक और प्रॉब्लम आई कि मैं फिर से यूट्यूब पर जो वीडियोस थी वो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम के बाद में मैं वीडियोस को फिर भी डाल रही थी जैसे भी मुझसे डलती थी। इस बीच शॉर्ट्स आए, शॉर्ट्स में मुझे बहुत हेल्प मिली। शॉर्ट्स के थ्रू मैं छोटे छोटे से सेकेंडों के शॉर्ट्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती गई। मैंने फेस वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। इस 14 जुलाई 2023 को मैसेज आया, उस पर आता है कि आपको अपनी, जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल करना होता है। तो गाइस जब मेरे $100 कंप्लीट हो गए, मैंने उसके बाद में 14 जुलाई को 2023 को अपनी बैंक डिटेल्स फिल करी एंड 22 जुलाई 2023 को यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि आपकी पेमेंट आपके बैंक में जा चुकी है, बैंक में जाकर चेक करा ले, अगर नहीं आई है तो इन अ 5 डेज के अंदर आपको हमें मेल करना है कि हमारी इनकम नहीं आई है। इस 24 जुलाई 2023 को मेरी इनकम बैंक में आ गई। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग माय यूट्यूब पेमेंट जर्नी, थैंक यू सो मच। तो हमें ना $100 कंप्लीट करने होते हैं और मेरे $102 हुए थे। अब आप इसे इंडियन करेंसी में चेंज कर लो एंड बैंक चार्जेस भी कटे थे क्योंकि वो करेंसी को चेंज करते हैं, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं आपको ऐसे आइडिया बता सकती हूँ, जैसे कि मैं युवा सेकेंड प्रो फोन है, आप जाकर अब देख लो वो कितने तक का है। इतनी पेमेंट मुझे आई है। आई नो आजकल सब लोग अपनी पेमेंट बता देते हैं बट मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इतनी मुश्किल से तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है एंड कोई भी स्ट्राइक या फिर कुछ भी मैं अपने चैनल पर नहीं लाना चाहती जिस वजह से कि मुझे प्रॉब्लम हो। बहुत मुश्किल से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज कराया है। आप देख रहे हैं कि YouTube पेमेंट की जर्नी ही इतनी टिपिकल है तो YouTube की जर्नी कितनी टिपिकल रही होगी। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। मैं YouTube की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जितनी जल्दी हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके साथ अपनी YouTube जर्नी शेयर करूँगी। सो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद में फाइनली मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट इस तरीके से रिसीव हुई है। तो होप करती हूँ कि अगर आप ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट देते रहे मेरे चैनल को तो मैं सेकंड पेमेंट भी बहुत जल्दी ही रिसीव कर लूँगी। और मैं जब भी सेकंड पेमेंट अपनी रिसीव करूँगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई डोंट नो अभी कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि फर्स्ट पेमेंट को आने में ही 1 साल लग गया तो सेकंड पेमेंट को तो पता नहीं कब आएगी। अगर आप लोग प्यार देते रहे, सपोर्ट देते रहे, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए एंड बहुत बहुत सारे यूनिक टॉपिक लाती हूँ मैं, बिल्कुल आप देखा कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं और काफ़ी हेल्प मिलती है आपको अपनी आप को। मैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती होंगी। तो आप ज़रूर देखा कीजिए एंड ज़रूर शेयर किया कीजिए ऐसे टॉपिक्स को। गाइस मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब पर आने से पहले आप खुद को मेंटली भी एंड फिजिकली भी दोनों तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। आप एक साथ 2 नावों में 4 नावों में पैर नहीं रख सकते। पढ़ाई, काम, बच्चा एंड आपका यूट्यूब सब एक साथ मैनेज नहीं हो सकता है। एक बार में एक काम कीजिए बट दिल और दिमाग दोनों लगाकर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है एंड जल्दी सक्सेसफुल होने के चांस मिल जाते हैं। अगर इतने सारे कामों को आप एक साथ लेकर के चलोगे तो इन सब के बीच में आप खुद को कहीं खो देते हो एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दो क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आपको खुद को बनाना है तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुद को देनी चाहिए। एक बार में एक काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी तरह एक साथ 4 नावों में पैर रखोगे
तो जाहिर सी बात है कि गिरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम नहीं हो सकते। एंड आई डोंट नो मैंने कैसे मैनेज किया उस टाइम पे, सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी सारी चीज़ों को एक साथ किया है। अब आप मेरी YouTube जर्नी को सुनोगे ना, तो वो इससे भी ज़्यादा टिपिकल थी, इससे भी ज़्यादा उसमें दिक्कतें आईं। आप अगर सुनोगे तो आप बोलोगे कि दी सच में आपकी इतनी हिम्मत थी, आपने कर लिया, अदरवाइज सच में हम भी नहीं कर पाते। एंड एक टाइम सच में ऐसा आया कि मुझे लगा कि सच में भाई अब नहीं हो पाएगा, एंड ये मेरे दिमाग के ऊपर है, एंड अब चैनल डिलीट, बस अब मैं नहीं कर सकती। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आईं, बट आप जब इन सब चीज़ों को एक साथ फेस कर रहे होते हो तो उसी दूसरी तरफ वहीं आपके पास में एक और चीज़ होती है, वो है आपके भगवान जी। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपको पेशेंस रखने की हिम्मत देते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, बहुत कुछ भगवान जी आपको सिखाते हैं अगर आप उन्हें मानते हो तो। साथ के जितने भी चैनल्स थे सबके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और सभी आगे बढ़ चुके हैं, बट मैं अभी तक 5K सब्सक्राइबर तक ही पहुंच पाई हूँ। ब्लेम मैं किसी को नहीं देना चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक साथ इतने सारे काम करने की वजह से एंड मेरे YouTube पर कंसिस्टेंसी ना मेंटेन कर पाने की वजह से हुआ है। एंड गाइस, होप करती हूँ कि मैं आगे अपनी वीडियोस को लगातार डाल पाऊँ और आप लोगों से ज़्यादा जुड़ पाऊँ। आप लोग कमेंट्स किया कीजिए जिस भी तरीके की आपको वीडियोस चाहिए, जो कुछ भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट किया करो। तो गाइस, होप करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑल दीज यूट्यूबर्स जो कि नए नए अभी चैनल पर आए हैं, जिनके नए यूट्यूब चैनल हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट किया है। सभी न्यू यूट्यूबर्स के लिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एवरी सिंगल पर्सन जो कि अभी यूट्यूब पर आया है, इसलिए शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।